ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक और भयावह है। मुंबई के पॉश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी यत्र विधायक है, या जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का, 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती है। अगर खुलेआम NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं। मैं बताना चाहूंगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे चलता था और उसने जिस प्रकार भूषण कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी, अब उसे लगे कुछ कुछ समय वही परिदृश्य सामने आ रहा है। बड़े अपराधियों ने क्राइम का नया रूप बदल दिया है। नौजवानों का यूज करते हैं, उन्हें बहकाते हैं, पैसे का लालच देते हैं और अपराध में झोंक देते हैं। ऐसे नौजवान जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई नगरी में बीते दिन NCP नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस ने मामले में दो शूटर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की कई एंगल से जांच कर रही है। इसमें सुपारी किलिंग से लेकर व्यापारिक प्रतिद्वंदिता और झुग्गी पुनर्वास परियोजना को लेकर जो धमकी मिली थी, ऐसे ही अलग अलग एंगल शामिल हैं। NCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पुलिस को शक है कि यह पूर्व नियोजित थी। इसमें UP कनेक्शन भी सामने आ चुका है। दरअसल पुलिस जांच में पता चला है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया है वो बीते करीब 1.5-2 महीने से कुरला इलाके में किराए पर रहकर बाबा सिद्दीकी की रेखी कर रहे थे। पुलिस ने तीसरे आरोपी की पहचान कर ली है और वो भी यूपी का ही रहने वाला है। इससे पहले पुलिस ने जिन दो आरोपियों को पकड़ा है उनमें से एक हरियाणा और एक यूपी का निवासी है। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के युवाओं को क्या ऐसे ही यूज किया जाता है, उनको बहकाया जाता है? बड़ा सवाल है ये। NCP नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या करने वाले दो हमलावर यूपी के बहराइच के हैं। खबरों के अनुसार इसकी पुष्टि बहराइच SP वृंदा शुक्ला ने की है। उन्होंने बताया है कि एक आरोपी का नाम धर्मराज कश्यप है, दूसरा शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा है। शिवा फरार है जबकि धर्मराज को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं। घर अगल बगल है। उम्र करीब 18 से 19 साल है। दोनों कूड़े में कबाड़ का काम करते थे। इनका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। जी हाँ, SP ने बताया है कि दोनों ही सामान्य परिवार से हैं, घर वालों के संपर्क में भी रहते थे। पुलिस दोनों के घर पर पहुंचकर परिवार से बात भी कर रही है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के बारे में परिवार के पास क्या जानकारी है। बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तीसरे की पहचान हरियाणा के रहने वाले गुरमैल बलजीत सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र महज 23 साल है। बहराइच पुलिस के मुताबिक शिवा 6 सालों से पूरे में एक स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था। शिवा ने 2 महीने पहले ही अपने पड़ोसी धर्मराज को भी पूरे काम के लिए बुलाया। सुपारी देने वाले व्यक्ति ने शिवा और धर्मराज की गुरमैल से मुलाकात कराई थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स पिछले करीब 40 दिनों से मुंबई में रहकर सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। वे 2 सितंबर से कुरला में किराए के मकान में रुके थे। गिरफ्तार हुए दोनों शूटर ने बताया है कि उन्होंने बाबा के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी की थी। मुंबई पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, सुपारी देकर बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई है। किसने सुपारी दी है, कितने की दी है, ये अभी जांच का विषय है। खबरों के अनुसार पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों को हत्या के लिए 50,000 रुपए एडवांस मिले थे। हाल ही में उन्हें हथियार मुहैया भी कराया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि शिव गौतम के पिता बालकृष्ण ने कहा है कि हमें आज सुबह ही पता चला है
पुलिस वाले आए थे, हमें चौकी ले गए और पूछताछ की। मेरा बेटा कुछ गलत काम नहीं कर सकता, उसको बहकाया गया है। शिव से मेरी बात 15 से 20 दिन पहले हुई थी, मेरे पास फोन नहीं था। 15 दिन पहले हरीश नाम के लड़के से उसने मुझे फोन पर बात किया था, फोन भिजवाया था। भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करत रहे, वही हम जानित रहे। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहे कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूं हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में चला गया, तब से नहीं आवा भैया। क्या लग रहा है, कैसा आप लोगों को, क्योंकि ये नाम आया है इतनी बड़ी घटना में, इस मर्डर केस में उसका नाम आया है, क्या आप लोगों को कहना? तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं दिया, खा सुना नहीं, तो हम कहा बताई दी, हम का जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा है, हमका फोन नहीं करत रहा है, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम कहा बता दी भैया का कर। ये कितनी उम्र थी शिवा? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, 18-19 साल। तो हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहा, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहा, कहूँ कहूँ चले जात रहा, तो कहित रहा तो कहें ना बाहर चले जाइए। तो मैंने 3 साल तक निक निक कमात दियात रहा, बोला अब सिलनाई कुछ किन है नाई, अरे बात बत कही किन है नाई दिन है, हमका 2 पैसा कमाई के। और बिटिया बीमार रहा तब 3,000 रुपया दूसरे वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया के दवाई करावा। अभी होली के बाद से नहीं आया, होली के बाद से नहीं आए। वहीं धर्मराज की मां ने कहा है कि बेटे से 1 महीने पहले बात हुई थी, हमने कहा है कि जल्दी आ जाओ, इस पर उसने कहा कि होली में आएंगे। पुलिस वाले मेरे पास आए थे, मेरा नाम पूछा, मेरे 2 बेटे हैं अनुराग और धर्मराज, बेटी नहीं है, यही जानकारी हमने पुलिस को दी। हमें कुछ नहीं पता, मेरा बेटा 2 महीने पहले आया था, मुझे दिल्ली जाने को कहकर पहली बार बाहर गया था। अरे भैया कौन, मैं छोड़ा ही लिया उनका, और कहा बताई हम कहाँ चले, कहाँ कितने दिन से रहता था? ये 2 महीना भय गए रहे, कबाड़ के काम करे हमसे बताई के गए रहे, अब वहाँ कुछ भी करे साहब हमका का पता, कोई कहाँ कहाँ काम करता था, पूना गए रहे हमसे बताई के। आपको कैसे जानकारी मिली? हमको सवेरे पुलिस आई है तब हम पूछी सी, तब हम जाना है। तो कब से बात नहीं हो पाई थी हमसे? बात भी गया है तब से, 1-2 महीना में 1 दफे बात भाई है, और ना पैसा कौड़ी भेजे और ना बात करा। तो पहले क्या यहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा झंझट में कुछ नहीं होता रहा साहब? हम लड़के नीक रहे, कहूँ लड़ाई झगड़ा नहीं करत रहे। बता दें कि सिद्दीकी पर बांद्रा में खेर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की, इसमें बाबा को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके पेट में, 1 सीने पर लगी। तीनों ने रुमाल से अपना मुंह बांधा हुआ था। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन उनके साथ कोई कांस्टेबल उस समय मौजूद नहीं था, स्ट्रीट लाइट और CCTV भी बंद थे। 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3रे शूटर की पहचान भी हो गई है, पुलिस कई राज्यों में उसकी तलाश भी कर रही है। शूटर्स पिछले करीब 40 दिनों से मुंबई में रहकर सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। शुरू से ही घटना के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस की एक अतिरिक्त टीम भी तैनात की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान के घर के बाहर बीते 14 अप्रैल को भी फायरिंग कराई थी। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात को अंजाम देने की साजिश के पीछे की वजह भी बताई है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, मुंबई पुलिस भी इसकी जाँच कर रही है। गैंग का दावा है कि वे सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुस्थापन के साथ संबंध है। बाबा सिद्दीकी का कथित शराफत महज छलावा मात्र है। उनका बीते समय से दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में शामिल होने का भी गवाह है। बिश्नोई गैंग का दावा है कि जो कोई भी सलमान खान और दाऊद के गिरोह की मदद करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गैंग की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर कोई उनके भाई को नुकसान पहुंचाएगा तो वे पलटवार जरूर करेंगे। खैर इस मामले में आगे कुछ क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।